23 अगस्त 2023 शाम के 6:04 पर आखिर वो पल आ ही गया जिसका हम पिछले 40 दिनों से इंतजार कर रहे थे। फाइनली इसरो ने वो कीर्तिमान रच दिखाया जो कि आज तक दुनिया की बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसीज नहीं कर पाई थी। 23 अगस्त की शाम जैसे जैसे लैंडिंग का समय नजदीक आते जा रहा था, लोगों की धड़कनें तेज होती जा रही थी। पूरे 140 करोड़ भारत की जनता बस ईश्वर से यही प्रार्थना कर रही थी कि हे भगवान, आज भारत की लाज रख लेना। और जब फाइनली वो अंतिम 20 मिनट आए तो लोगों के दिलों की रफ्तार और तेज होने लगी। जैसे जैसे लैंडर नीचे की तरफ जा रहा था, लोगों के अंदर उत्सुकता और बढ़ते जा रही थी। फाइनली जब लैंडर चांद की धरती से मात्र 149 मीटर की दूरी पर था तो इसने चंद्रमा की सतह का एक अंतिम बार मुआयना किया और फिर फाइनली सफलतापूर्वक चांद की धरती पर उतर गया। अगर आप अपने आंखों से ये नजारा देख रहे होंगे तो इसे सफल होते देख आपकी आंखों में भी आंसू आ गए होंगे, क्योंकि साल 2019 में चंद्रयान 2 ने भारत को जो घाव दिया था उसे भरने के लिए इस मिशन का सक्सेसफुल होना बेहद जरूरी था और हुआ भी कुछ ऐसा ही। हालांकि इस बार भारत के प्रधानमंत्री विदेशी दौरे पर होने की वजह से यहां खुद तो मौजूद नहीं थे, लेकिन लाइव कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा उन्होंने सारे भारतवासियों और इसरो के स्टाफ को बधाई दी। और उनका इतने से भी मन नहीं भरा तो उन्होंने खुद इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ को फोन कॉल करके भी इस मिशन की बधाई दी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आखिर इस मिशन की सफलता का भारत के लिए क्या मायने हैं, इस सफल मिशन के बाद भारत के स्पेस प्रोग्राम में क्या बदलाव देखने को मिलेंगे और जो लैंडर चांद की सतह पर लैंड हुआ है अब वो वहां पर क्या क्या करेगा। आपने हमारे पिछले चंद्रयान 3 पर बने वीडियो को ढेर सारा प्यार दिया था और वही प्यार आज हम आपसे इस वीडियो पर भी उम्मीद करते हैं, पर ये तभी संभव हो पाएगा जब आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। आज से मात्र 1 सप्ताह पहले रशियन स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मोस ने चांद पर अपना एक लूनर मिशन भेजा जो कि एक तरह से भारत के चंद्रयान 3 से कंपटीशन करते हुए 21 अगस्त 2023 को ही मून के साउथ पोल पर लैंड करने वाला था। यानी कि यह बात कंफर्म थी कि भारत चाहकर भी वो पहला देश नहीं बन पाता जिसने चांद के साउथ पोल पर पहली बार अपना मिशन सक्सेसफुली भेजा हो। लेकिन शायद ईश्वर को भी भारत के लिए ये नाइंसाफी मंजूर नहीं थी और इसलिए रशियन मून मिशन लूना 25 का लैंडर मून की सतह पर लैंड होने से पहले ही क्रैश हो गया और इस तरह रशिया का ये हजारों करोड़ों का मिशन बर्बाद हो गया। पर इसने भारत के लिए एक बार फिर स्पेस रेस में नंबर वन बनने का रास्ता साफ कर दिया और जैसे कि इसरो के साइंटिस्ट ने कहा था कि इस बार ये मिशन 100% सक्सेसफुल होगा, ठीक वैसा ही हुआ। अब भारत वो पहला देश बन चुका है जिसने चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। आइए हम आपको इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स देते हैं। अगर आपको याद होगा तो चंद्रयान 2 के टाइम पर लैंडर चांद से 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर से क्रैश हो गया था क्योंकि ये अपना स्पीड कम करने में कामयाब नहीं हो पाया था। लेकिन इस बार 30 किलोमीटर की ऊंचाई से विक्रम लैंडर का स्पीड कम करना शुरू कर दिया था। तकरीबन 149 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचते पहुंचते इसका स्पीड 1000 मिली प्रति सेकंड से 0 मिली प्रति सेकंड हो चुका था। यानी कि पिछले वाले गलती पर हमने जीत तो हासिल कर ली थी लेकिन अब बारी थी लैंडिंग की। जैसे ही ये चांद से 149 मीटर की ऊंचाई पर था, इसके सेंसर्स ने लैंडिंग साइट का मुआयना किया और फिर इसे ले जाकर वहां लैंड करा दिया। दोस्तों, यही पार्ट इस मिशन का सबसे डिफिकल्ट पार्ट था जो कि भारत ने आसानी से पार कर लिया और अब अगले 14 दिनों तक इस लैंडर के अंदर मौजूद प्रज्ञान रोवर बाहर आकर चांद की सतह का परीक्षण करेगा और इस पर पानी और खनिज की तलाश करेगा। वैसे आपको जान के बेहद गर्व होगा कि इसरो के साइंटिस्ट ने रोवर के पहियों में भारत का नेशनल एम्बलम और इसरो का लोगो भी इम्प्रिंट करा रखा है। यानी कि जैसे ही ये चांद की धरती पर घूमने निकलेगा, इसके पहियों से चांद की धरती पर इसरो और लाइन पिलर का तस्वीर छप जाएगा और चूंकि चांद पर कोई हवा भी नहीं है इसलिए ये प्रिंट हमेशा दुनिया को ये याद दिलाता रहेगा कि मून के साउथ पोल पर सबसे पहले पहुंचने वाला देश भारत था। वैसे जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक प्रज्ञान रोवर चांद की धरती पर उतरकर ये कारनामा कर चुका होगा। ये करने के बाद रोवर 14 दिनों तक चांद की धरती पर सैंपल कलेक्ट करेगा, इसके बड़े बड़े क्रेटर्स में जाकर पानी की तलाश करेगा और तो और इसमें लगे हाई रेजोल्यूशन कैमरा से चांद के साउथ पोल की हाई डेफिनेशन इमेजेस भी शेयर करेगा जो कि भारत तथा अन्य स्पेस एजेंसियों को चांद के डार्कर साइड के बारे में काफी मददगार साबित होगी। और यही वजह भी है कि दुनिया भारत की स्पेस एजेंसी भी
इस मिशन पर लगातार अपनी नजर बनाई हुई थी। और तो और, जब भरत ये करने में सफल हो गया तो उन सब ने भरत की खूब तारीफ की। वैसे इस मिशन से एक देश बड़ा ही दुखी होगा, हमारा पड़ोसी पाकिस्तान और चीन, जिसने चंद्रयान 2 पर भारत का खूब मजाक बनाया था। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, जिसमें हमने आपको बताया कि कैसे भारत ने काफी पेशेंस के साथ 4 साल बाद इस मिशन के द्वारा कम बैक किया और दुनिया को दिखा दिया कि इसरो भी किसी से कम नहीं है। अब चांद पर फतह हासिल करने के बाद अब बारी है आदित्य L1 मिशन की, जो जल्द ही इसरो सूरज की स्टडी करने के लिए भेजने वाला है। वैसे अगर आप इस मिशन से जुड़ी जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो आप ऊपर आई बटन पर टैप करके हमारे आदित्य L1 मिशन पर बनी डेडिकेटेड वीडियो देख सकते हैं। बाकी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप देख रहे हैं KS ज्ञान चैनल, लेट द मिस्ट्रीज अनफोल्ड।